हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह आज भी मैंने एक नया वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा सब। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जिसके सुनकर आप बहुत ही खुश होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो तो परेशानी हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ट्रू कलर। जी हाँ बिल्कुल, ट्रू कलर आपने सही सुना है। ट्रू कलर के बारे में आप तो सुना ही होगा। जी हाँ बिल्कुल, ट्रू कलर एक ऐसा ऐप है, अगर आप वो में इंस्टॉल करके रखेंगे तो जिसका भी फ़ोन आए उसका नाम आ जाता है। जी बिल्कुल, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प भी होता है, लेकिन आपको पता था कि ये बहुत ज़्यादा खतरा भी है। जी बिल्कुल, आज इस देश में जितना भी फ्रॉड हो रहा है मोबाइल से, बैंकिंग जितना भी फ्रॉड हो रहा है, जॉब के नाम से, बड़े बड़े कंपनी के नाम से, नौकरी के नाम से, ये सिर्फ उसके वजह सिर्फ ट्रू कॉलर ही है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे है क्योंकि फ्रॉड करते हैं तो उनका ट्रू कॉलर में जो मोबाइल नंबर है उसका नाम किसी कंपनी के नाम से जोड़ देता है या किसी बड़े आदमी के नाम से जोड़ देता है और उस नंबर से आपको कॉल किया जाता है, लेकिन उस और उसने जो रजिस्टर जो नाम किया है, जो फ्रॉड कंपनी ने नाम दिया है ट्रू कॉलर में, वो नाम आपके ट्रू कॉलर में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, और आप उसे समझ लेते हो कि हाँ भाई, ये तो कंपनी का नाम आ गया है तो ये सही होगा, तो आप लोग उसके बेके बातों में पड़ जाते हो। जी बिल्कुल, ट्रू कॉलर ऐसे एक ऐप है जहाँ पर वो नाम लिख देता है, कुछ भी लिख देता है तो वो शो कर देता है। ठीक है बिल्कुल, तो इसी की वजह से ज़्यादातर फ्रॉड होते जा रहे हैं हमारे इंडिया में। तो खुशी की बात यह है कि आप गवर्नमेंट, जी हाँ, इंडिया का गवर्नमेंट और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक साथ मिलकर एक योजना बनाई है। जी हाँ बिल्कुल, एक ये नया योजना लाई है जिसके तहत आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर में लिंक हो जाएगा। एक नंबर बात तो यही है। दूसरा, तो आपका जो फ़ोन आएगा मोबाइल में, अभी जो ये इस योजना के बाद जब आपका मोबाइल में फ़ोन आएगा लागू हो जाने के बाद, तो उसका जो सिम लेते वक्त सिम रजिस्ट्रेशन करते वक्त जिस डॉक्यूमेंट से सिम लिया गया है उसी नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर ट्रू कलर में भी किसी ने भी किसी का नाम लिख दे तो शो नहीं करेगा, उस सिम का जो वनर है, जो रजिस्टर किया हुआ नेम है, वो ही शो होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो इससे बहुत 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 ज़्यादा खुश होने वाला है लोग, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि अब फ्रॉड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इतना टोटल जीरो तो नहीं होगा, लेकिन हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे फ्रॉड। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी ने कंपनी का रजिस्टर भी किया है लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं आएंगे, क्योंकि वो कंपनी का अगर रजिस्टर करते वक्त जिसका भी नाम से लिया था, कंपनी हो या खुद का हो या ओनर का हो, तो उसका नाम ही आ जाएगा। जी बिल्कुल, ट्रू कॉलर में कुछ भी लिख दे या थर्ड पार्टी ऐप में, ट्रू कॉलर नहीं और भी सारे ऐप है जो कि नाम लिख देता है और वो शो हो जाता है हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, तो वो सारा का सारा बैन हो जाएंगे और उस काम नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ये नया योजना लाई है। तो अब मैं आपको इस कुछ आपको बता देते हैं कि भारत सरकार ये इसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो इस योजना के तहत आपको कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपका लाभ भी होगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पूरी तरह से ईकेवाईसी पर आधारित होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये ईकेवाईसी के आधार पर हो जाएगा, ईकेवाईसी जी है हो जाएगा। योजना के तहत जारी होने वाला ऐप पर कोई भी अपना मन मर्जी नाम लिख नहीं पाएगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको किस नाम से किस व्यक्ति ने फ़ोन किया है। जी हाँ बिल्कुल, अगर थर्ड पार्टी ऐप ने किसी दूसरे का नाम लिख दिया है तो वो आपके सामने शो नहीं होगा। जो ई क्यू सी वर्क जिसने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसका नाम दिया था, वही नाम आपके यहाँ शो करेंगे। इस ऐप पर आपकी अनजान नंबर भी सही नाम व शहर यदि कि सही जानकारी के साथ दिखाए जाएंगे, जिससे सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर होने वाले साइबर क्राइम भी और अन्य प्रकार के अपराधों में कमी हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारा फ्रॉड कम हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, वही दूसरी तरह इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस योजना की मदद से जारी होने वाले ऐप पर खपत होने वाला डाटा भी किसी विदेशी कंपनी के नहीं जाएगा। जी हाँ बिल्कुल,
ये जो डेटा है आपका, जो ई केवाईसी का जो डेटा होगा वो किसी दूसरे कंपनी में नहीं ट्रांसफर किया जाएगा या वायरल नहीं होगा, ये प्राइवेसी रहेगा। जी बिल्कुल, आपका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो इसी तरह से बहुत सारा फ़ायदा ऐसा मिलने वाला है इंडियन गवर्नमेंट कॉलर आईडी। जी हाँ, ये ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो वो गवर्नमेंट ने ट्राई के साथ टाई अप करके मिल के ये नया योजना लाया है। जी बिल्कुल, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। शायद आपको कुछ अच्छा नॉलेज हुआ इस वीडियो से, आपको पता चला पहले, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।